हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मैं सत्तू वाली कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सत्तू, आजकल गर्मी का मौसम है तो सत्तू खाना अच्छा होता है पेट के लिए भी, तो वही बना रही हूँ। फिलहाल शाम का समय है तो शाम में ही ज़्यादातर, मतलब शाम में ही मुझे छुट्टी मिलती है। कुछ भी अलग कुछ खाना बनाना हो तो शाम में ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो स्कूल होता है सवेरे ही, तो सवेरे नहीं कर पाती हूँ। जो भी मतलब कुछ अलग कुछ बनाना हुआ डिश, तो वो शाम में ही बनता है मेरे यहाँ। सुबह तो जल्दीबाजी में बस रोटी सब्जी भुजिया रोटी, या फिर कुछ भी मतलब हल्का फुल्का नाश्ता ही बना पाती हूँ। फिर स्कूल से आती हूँ तो चावल दाल ये सब बनता है, इसलिए मतलब सुबह जल्दीबाजी ही होती है, और जब दोपहर होता है तो जल्दीबाजी ही होती है, क्योंकि जल्दी से आती हूँ स्कूल से तो फटाफट खाना बनाती हूँ। उतना टाइम नहीं मिलता है कि कुछ अच्छा सा बनाऊँ, तो जो भी मतलब बनाना होता है वो रात में ही हम लोग बनाते हैं, शाम में ही। फिलहाल सबको यहाँ पे देखिए अभी तल रही हूँ, और तलने के लिए मैंने प्योर घर के सरसों तेल लिया है, ये रिफाइंड नहीं है, सरसों तेल में ही पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि ये घर का है। अभी कल परसों ही मैंने मतलब पिरवाया है, इस बार हमारे यहाँ सरसों अच्छी खासी हुई है, तो वही घर का तेल आया तो मैंने उसी में इसको तल लिया है। नुकसान भी नहीं करेगी वैसे रिफाइन, अब पहले जैसा रिफाइन भी नहीं है, वो भी नुकसान करता है, तो मैंने सोचा चलो घर का ही है तो इसी तेल में तल लेते हैं। और अभी सबको खाना भी निकाल ले रही हूँ, चटनी इसके साथ पीसी है धनिया पत्ते की, उसके साथ ही सबको दूंगी, और अचार भी थोड़ा सा बचा हुआ उसके साथ भी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो दोस्तों आइए आप सभी, गर्मा गर्म लिट्टी, और ये देखिए धनिया, इसमें अमरूद भी मैंने डाला है, धनिया और अमरूद की चटनी है, साथ में ये सेम का अचार जो मैंने बनाया था। और कुछ दिन पहले ही मैंने सत्तू वाली लिट्टियाँ बनाई है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन्होंने दोबारा बनाने को कहा है, इसलिए मैंने बनाया है। तो आइए आप सभी खा लीजिए, अभी मैं उनको खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ खाने के लिए, आप लोग भी आइए खा लीजिए, अच्छी लगती है ना। अभी खाना पीना सबका हो गया है, तो दूध गर्म किया है मैंने, सबको दूध पीने के लिए दे दिया है, थोड़ा सा मैं अपने लिए रखा है, लेकिन इतना मैं नहीं पीऊँगी, मुझे दूध पीना उतना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे साथ नींद की प्रॉब्लम है, अच्छी खासी मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए कभी कभी ना मैं दूध में हल्दी वगैरह डाल के पीती हूँ, ताकि नींद अच्छी आए, कहते हैं कि हल्दी दूध पीने से नींद अच्छी आती है। तो ये कल का दूध था, उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। दूध आजकल मतलब बच जा रहा है, कल का भी है आज का भी है, तो इस तरह से दूध जमा हो जाता है। ये बोलते भी हैं कि दूध रखा रहता है, पीती नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे दूध पसंद नहीं है, फिर भी पी लेती हूँ। तो दूध को मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल के बहुत अच्छे से उबाला है, थोड़ा सा उसमें भुर्रा डाल देती हूँ, थोड़ा मीठा लगेगा तो पिया जाएगा, ऐसे नहीं पिया जाता उतना अच्छे से, फ़ायदा भी करता है दूध, और मुझे नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ। पहले मैं दूध के साथ रोटी या फिर दूध ऐसे भी पीती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ देखिए अभी रात हो गया है, और मैंने मच्छरदानी भी लगा दी, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बस अभी दूध पी रही हूँ। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, उसको भी धोने हैं तो धो लूँगी, पहले दूध पी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये खाए हैं जो बर्तन हैं, तो इसे भी क्लीन कर लेते हैं, यहाँ भी मैंने साफ कर लिया, बर्तन धो लिए हैं, रात के 9 बज गए हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।